ये देखें फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लाया हूँ। ये देखें, ये है व्हाट्सएप 2023 की अपडेटेड वर्जन। ये देखें, बहुत ही कमाल का इंटरफेस आ रहा है आपके सामने है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो पे लाइक टारगेट है सिर्फ 1000 लाइक। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में जो भी व्हाट्सएप होगी आपने उसे ओपन करना है। अपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद अपने चैट में जाना है और चैट में यहाँ पे चैट बैकअप, अपने बैकअप ले लेना है। अपने अपने जीमेल यहाँ कोई भी ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मंथली बैकअप, बैकअप लेने के बाद अपने यहाँ बैकअप पे क्लिक कर देना है। ये देखिए बैकअप, ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। आपने वेट करना है, मुकम्मल होने के बाद बैकअप लेने के बाद आप बैक करना है। बैक करने अपने इस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है। देखिए मैं आपके सामने अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो गया। अपने वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद आपने ये व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐड अ नंबर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। ये आपके सामने मैंने नंबर लिखा है, कनेक्टिंग हो रही है। ओके पे क्लिक करना है आपने। ये 6 डिजिट का वेरीफाई कोड आएगा, ये आपके सामने वेरीफाई कोड लग चुका है। आपने रिस्टोर करना है बैकअप, ये आपके सामने स्टोर मैसेज, आपका सभी डेटा बैकअप आ रहा है, आपको आपका सभी डेटा वापस मिल जाएगा। जो भी आपने चैट किया या किसी ने आपको वीडियो भेजी पिक्चर्स, बैकअप लेने के बाद आपको सब कुछ बैकअप फाउंड मिल जाएगा, सब कुछ वापस मिल जाएगा, आपका बैकअप आ जाएगा। स्किप कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ये देखें प्रोसेसिंग पूरी हो गई। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपका बैकअप। देखिए मैं अपना नाम सेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरी प्रोफाइल भी है। बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप मंथली पे भी क्लिक कर सकते हैं, एवर पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक कर देना है। आपने ले पे क्लिक करना है क्लोज। और ये देखिए आपके सामने, ये देखिए क्या इतना अच्छा इंटरफेस आ रहा है, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। आपके सभी मैसेज सब कुछ वापस आ गया है, बैकअप हर चीज़ का बैकअप आ गया है। आप यहाँ पे ये देखिए फोटो सेट कर सकते हैं, चैट, ये देखिए मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये आपको स्टेटस शो हो रहे हैं, ये आपको एंड पे कार रिपोर्ट्स। ये देखिए व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सबसे पहले बेनिफिट मिलता है, आप किसी की भी प्रोफाइल को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी हो गई है। उसके बाद आपने थ्री मिनट, आप यहाँ से रीस्टार्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप शेड्यूल में करते हैं, जैसा कि ये देखिए आपके सामने मैं शेड्यूल में से सेंड करता हूँ। ये मैं आपके सामने हेलो लिख देता हूँ, हेलो, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइम, और ये देखिए आपके सामने अभी ये हमें सेंड होगा और आपने शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। ये देखिए शेड्यूल डन हो गया। उसके बाद आप ऑटो रिप्लाई मैसेज से ऑन करके यहाँ पे ऑल ऑटो रिप्लाई मैसेज सेंड करना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और यहाँ पे आपने ग्रुप या जिसमें भी सेंड करना है ऐड कर सकते हैं आप।
आपकी मर्जी है, अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें इसे। उसके बाद थ्री डॉट मेन्यू पे आप यहाँ से ये देख कॉल भी कर सकते हैं, नंबर लिख कर ऑटोमेटिक, और यहाँ से ही मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। आपने नंबर लिखना है और यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करेंगे और आप उसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। बकाया ये देखिए आपके सामने वही सेटिंग है, ये देखिए चैट, ये स्टेटस शो हो रहे हैं आपको, ये कॉल, और ये फाउंड मोड में जाते हैं हम, और ये आपने थीम पे क्लिक करना है। आप डार्क थीम भी कर सकते हैं चूज़, ये आपका जो भी बैकग्राउंड लगा होगा ट्रांसपेरेंट थीम वो लगेगा। उसके बाद ये देखिए शेड्यूल मैसेज सेंड हो चुका है, लाइट थीम पे करता हूँ मैं क्लिक। उसके बाद अगर आप कलर में जाएं और आपने एलेबल बैकग्राउंड, और यहाँ से आप कोई भी अपनी फ़ोटो गैलरी से चूज़ करके लगा सकते हैं। ये आपके सामने मैं लगा देता हूँ, कोई भी सेट कर लेता हूँ मैं, ये मैंने आपके सामने सेट कर दी। ये देखिए आप प्राइवेसी सेटिंग, अपने फ्रीज लास्ट स्क्रीन सभी सेटिंग देख ले, एंटी डिलीट मैसेज, शो ब्लू ट्रिक, आफ्टर अप्लाई, आप सभी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। आप पैटर्न भी लगा सकते हैं, अपने पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, रिकवर पासवर्ड सभी कर सकते हैं। आप यहाँ से थीम डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की, ये देखिए 4000 थीम है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग थीम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सेव थीम। ये मैंने इस पर पहले एफ एम व्हाट्सएप पर वीडियो बना दी है, ये वही फंक्शन है, वही सेटिंग है। आप वो वीडियो आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं आपको ये पूरा क्लियर नहीं बताऊंगा। अब ये देखिए आप यहाँ से अपने फ़ोन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ये देखिए इमोजीज चेंज कर सकते हैं, लॉन्चर आइकन चेंज कर सकते हैं, चेंज नोटिफिकेशन आइकन कर सकते हैं। उसके बाद आप रिस्टोर बैकअप लेना चाहें, सेटिंग इसको नहीं छेड़ना आपने, मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आई के बटन पे क्लिक करके आप मेरी एफ एम व्हाट्सएप वाली सेटिंग की पूरी वीडियो देख सकते हैं। आप ये देखिए चेक अपडेट, आपसे अपडेट मांगे, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और आप अपडेट कर लें। मैं आपको लेटेस्ट वर्जन दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बैक करते हैं, बैक करने के बाद चलते हैं आप चैट में। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, मैसेज सेंड हो गया, ऑटो मैसेज ये खुद ब खुद सेट हो गया है, सेंड हो गया है आपके विक्टम को या जिसको भी आप सेंड करना चाहें। उसके बाद ये देखें आप यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करें, आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, आपने अगर अपने फ्रेंड को तंग करना है, हेलो लिखता हूँ, आप यहाँ पे नंबर जितने चाहें लिख सकते हैं, डिजिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, सेफ, और ये देखिए ऑटोमेटिक मैसेज सेंड होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इमोजीज और भी चूज़ कर सकते हैं, सैड जैसे चाहें आप, किड्स, हैप्पी इमोजीज। उसके बाद आप फाउंड टेक्स्ट में जैसे बता देता हूँ, हाई लिखता हूँ मैं, हाई लिखने के बाद ये देखिए आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसे भी सेंड कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने काफ़ी मैसेज सेंड हो गया है, आपने यहाँ क्लिक करना है, आप कस्टम कर सकते हैं, यहाँ से भी आप नंबर मैसेज वीडियो, आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ये देखें स्टिप और ये ट्रिम वीडियो कर सकते हैं, स्टेटस, स्टेटस आप यहाँ पे जितने मिनट का चाहें स्टेटस लगा सकते हैं। उसके बाद स्टेटस टैक्स का ऑप्शन आ जाता है, ये कैमरा स्टूडियो, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, आप एरोप्लेन मोड ओपन कर सकते हैं और सच में हैं फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं।